भारत में करीब 3 करोड़ से ज्यादा लोग दिल की बीमारी से परेशान हैं और इसके पीछे की वजह है हाई ब्लड प्रेशर, जो आमतौर पर आपके और हमारे घर में देखने को मिलता है। बीपी अगर कम या ज्यादा हो जाए तो उसके लिए बीपी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो अक्सर आपके और हमारे घरों में देखने को मिल जाती है। और हम में से ज्यादातर लोग बीपी मशीन की रीडिंग को सच मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है घर में इस्तेमाल होने वाली बीपी मशीन 70-80% गलत रिपोर्ट देती है? जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों, अमेरिकन जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन की रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर बीपी की मशीन गलत रिपोर्ट बता रही है। जी हाँ दोस्तों, करीब 70-80% रिपोर्ट गलत निकली है। और दोस्तों, ये सब प्रैक्टिकल हुआ है अलग अलग इंसानों पर, जिसके बाद पता चला कि करीब 70-80% रीडिंग गलत है और जिनमें करीब 5-10 पॉइंट का फर्क था। इसलिए दोस्तों, कभी भी आप घर पर बीपी चेक करें तो उसको एक्यूरेट न माने। दोस्तों, आजकल लोगों को मसाले की जरूरत होती है, चाहे सब्जी में हो चाहे किसी की बातों में। तो दोस्तों, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ पठान मूवी की बायकॉट को लेकर। इंडिया के अंदर हर तरफ एक ही नारा है कि पठान मूवी को बायकॉट करो। दोस्तों, अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में हर धर्मों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं बायकॉट करना भी जरूरी है। लेकिन जहां बात आती है पठान मूवी की, तो लोग बायकॉट करने की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, इसका कुछ उल्टा ही रिजल्ट निकलता है। मूवी तो बायकॉट हो या ना हो, लेकिन उसकी टीआरपी बढ़ गई। दोस्तों, लोग मूवी के सॉन्ग नहीं देखना चाहते, लोग मूवी को नहीं देखना चाहते, लेकिन फिर भी देख रहे हैं। पठान मूवी के सॉन्ग पर 11 करोड़ व्यूज। दोस्तों, अगर मूवी के ट्रेलर की बात करें तो 6 करोड़ से ज्यादा व्यूज है, जो आप और हम लोगों से ही आए हैं। आपके हिसाब से इसको बायकॉट करना बोलते हैं? दोस्तों, अब आप लोग भी बीसीसीआई के सिलेक्शन कमेटी में शामिल हो सकते हैं। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि राहुल भाई क्या मजाक कर रहे हो। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, बीसीसीआई में यही मजाक चला हुआ है कि कोई भी एरा गैरा बीसीसीआई के सिलेक्शन कमेटी में आवेदन कर सकता है। एक्चुअली दोस्तों, चेतन शर्मा जो भारतीय क्रिकेट टीम के सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे, उनको बीसीसीआई से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिसके लिए बीसीसीआई ने 4 मेंबर के लिए आवेदन निकाले थे। जैसे ही ये बात फर्जी लोगों को पता चली, तभी से फर्जी आवेदन आने लगे, जिनमें से पहले नंबर पे है महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इजमामुल हक। ये कुछ चुनिंदा नाम है जिनके लिए फर्जी आवेदन किए गए। और दोस्तों, कमाल की बात तो ये है कि फर्जी आवेदनों की संख्या 70 से ज्यादा है। इस पर क्रिकेट प्रेमियों के लिए क्या रिएक्शन है? तो क्या आप लोग जानते हैं आखिर गोविंदा ने अवतार 2 का ऑफर क्यों ठुकराया? कहते हैं डूबते हुए को तिनके का सहारा बहुत होता है, बट अगर किसी को जहाज ही मिल जाए तो क्या कहने। यस दोस्तों, हम बात करें गोविंदा के बारे में, जो 90s के सबसे हैंडसम हीरो में गिने जाते थे, जिनका एक थप्पड़ उनके पूरे कैरियर को डुबा ले गया। बट दोस्तों, शायद ही आप लोगों को पता हो, जेम्स कैमरून जो अवतार मूवी के डायरेक्टर है, उन्होंने सबसे पहले अवतार मूवी के लिए गोविंदा को सिलेक्ट किया था, बट गोविंदा ने ये ऑफर ठुकरा दिया। बट दोस्तों, गोविंदा को लगता था कि इस रोल के लिए उनको अपने शरीर पे नीले रंग को चढ़वाना पड़ेगा। बट दोस्तों, ऐसा नहीं था, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी VFX और CGI इसी काम के लिए की जाती है। एक्चुअली दोस्तों, अवतार मूवी को बनने में करीब 5-7 साल लगे, जो एक रीजन था गोविंदा को इस मूवी में ना काम करने का।